प्रिय दर्शकों, आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि रोचक महापुरुष योग कैसे बनता है और यह हाथ में इतना प्रभावशाली क्यों होता है। कहते हैं ना, मंगल की पावर, मंगल की ऊर्जा, ये काफी बंदे को साहसी बनाती है, काफी हिम्मती बनाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के घटना क्रम के बारे में बताती है। और ये हमारी मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे विचारों के बारे में बताती है। इसी प्रकार से ये हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे दिल के बारे में बताती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं रोचक महायोग इतना प्रबल क्यों है, इतना शक्तिशाली क्यों है। ये हाथ में हमारे निम्न का मंगल है, इसको हम निम्न का मंगल बोलते हैं। निम्न का मंगल, निम्न का मंगल का ये जो पर्वत है, ये विकसित हो और आपका हाथ लालिमा लिए हुए हो और इसके ऊपर कोई बुरे चिन्ह ना हो, जैसे कि क्रॉस और दीप, क्योंकि ये एनर्जी को वेस्ट करने का काम करते हैं। और इसी प्रकार की ये आपका पर्वत उठा हो, आपके अंदर एक संचार पैदा करता है, आपके अंदर एक उत्साह पैदा करता है। और ये इसी के पर्वत के ऊपर एक मंगल की रेखा चलती हो और ये मंगल की रेखा सूर्य की रेखा से मिल जाए, ये सूर्य की रेखा से मिल जाए, ऐसे लोग अपने देश की नेतृत्व करने वाले होते हैं, देश का नाम रोशन करने वाले होते हैं, मान सम्मान करने वाले होते हैं। और इसी प्रकार से यही मंगल की रेखा हमारे इस मून के माउंट पे, ये मून का माउंट है जिसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं, चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा के पर्वत आती है, ऐसे लोग देश विदेश में नेतृत्व करने वाला और विदेश विदेश से यात्रा करने वाला, जैसे कि ऐसे लोग पुलिस में, सेना में, आर्मी में, ऐसे लोग उच्च पदाधिकारी बनते हैं। और यहां पर एक स्टार बन जाए, स्टार हमेशा हस्त रेखा में कहीं भी होता है, वो पावर बढ़ाने का काम करता है, उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ऐसे लोग अगर जमीन से जा, भूमि भवन मकान, वैसे तो मंगल जो है भूमि का कारक है, ऐसे लोग अपने जीवन काल में काफी जमीन, जमीनों का कारोबार करते हैं और जमीन से बेनिफिट बहुत अधिक मात्रा में पाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपने पराक्रम से, अपने उत्साह से, अपने हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।